नमस्कार दोस्तों, ग्लोबल थिंक यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। ओडिशा ट्रेन हादसा, गड़बड़ी या साजिश, कैसे 4 मिनट में सब कुछ तबाह हो गया, जानिए पूरी कहानी वीडियो द्वारा है। ओडिशा के बालासोर में बहनागा बाजार स्टेशन पर सिर्फ 4 मिनट के भीतर 3 ट्रेनों की भीषण टक्कर हुई। हादसे में अब तक 288 लोगों की मौत हो गई, 1000 से ज्यादा लोग घायल हैं। ओडिशा में शुक्रवार को हुई ट्रेन दुर्घटना में कुछ सेकंड इधर उधर होने से हालात काफी बदल सकते थे। 2 यात्री ट्रेनों और 1 मालगाड़ी की टक्कर में लगभग 300 लोग मारे गए हैं। सिर्फ 4 मिनट के भीतर ही सब कुछ तबाह हो गया। शुक्रवार की शाम 6:50 बजे शालीमार चेन्नई कोरोमंडल एक्सप्रेस को बहनागा बाजार स्टेशन से गुजर जाना चाहिए था। इसके बाईं ओर लूप लाइन पर 1 मालगाड़ी खड़ी रहती, लेकिन पटरियां बदलने वाले रूट रिले इंटरलॉकिंग सिस्टम में कुछ गड़बड़ी थी। नतीजा कोरोमंडल एक्सप्रेस इंटरचेंज से दूसरे ट्रैक पर नहीं गई। लूप लाइन पर खड़ी मालगाड़ी 128 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड में जा टकराई। कोरोमंडल का एक कोच दाहिनी ओर गिरा उस पटरी पर जिससे बेंगलुरु हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस गुजर रही थी। बेंगलुरु हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस को यहां से करीब 2.5 घंटे पहले ही निकल जाना चाहिए था, मगर वह लेट चल रही थी। अगर वह चंद सेकंड पहले भी निकल जाती तो कई जिंदगियां बच सकती थीं। अगर कुछ सेकंड और लेट होती तो मौत का आंकड़ा कहीं ज्यादा होता। शाम 6:52 शालीमार चेन्नई कोरोमंडल एक्सप्रेस 128 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से खंतापड़ा स्टेशन से गुजरती है। यह बहनागा बाजार स्टेशन से 10 किलोमीटर दूर है। शाम 6:54 कोरोमंडल एक्सप्रेस के लिए चेन्नई जाने वाली मेन लाइन पर सिग्नल होना था। रेलवे कंट्रोल रूम में कंट्रोल पैनल ने कंफर्म किया और रेलवे की जॉइंट इंस्पेक्शन रिपोर्ट भी यही कहती है। शाम 6:55 कंट्रोल सेंटर या केबिन गार्ड के एंड से गड़बड़ी के चलते कोरोमंडल एक्सप्रेस हाई स्पीड में लूप लाइन पर घुसी और वहां खड़ी मालगाड़ी से टकरा गई। शाम 6:56 टक्कर के चलते कोरोमंडल एक्सप्रेस का इंजन मालगाड़ी के ऊपर जा गिरा। कोरोमंडल एक्सप्रेस के 22 कोच बेपटरी हो गए। 3 कोच समानांतर में बनी लाइन पर जा गिरे। शाम 6:56 बगल के ट्रैक पर दूसरी ओर से बेंगलुरु हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस 12864 गुजर रही थी। ट्रेन के पिछले हिस्से से कोरोमंडल एक्सप्रेस के बेपटरी कोच जा टकराए। कोरोमंडल एक्सप्रेस टाइम पर थी, लेकिन बेंगलुरु हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस 2.5 घंटे लेट थी। ये वाकई में दुखद संयोग रहा। अगर बेंगलुरु हावड़ा ट्रेन टाइम पर चल रही होती या इतनी लेट न होती तो कोरोमंडल एक्सप्रेस के पलटने से काफी पहले गुजर चुकी होती। रेल सिस्टम ऐसा है कि अगर 2 ट्रेनें टाइम पर हैं तो वे एक दूसरे को फुल स्पीड में क्रॉस करती हैं। उन्होंने कहा कि यह संयोग ही था कि रिले इंटरलॉकिंग सिस्टम फेल होने के बाद यात्रियों से खचाखच भरी 2 ट्रेनों एक दूसरे के पास से गुजरने वाली थी, नहीं तो ड्राइवर को ब्रेक लगाने, डिस्ट्रेस सिग्नल भेजने के लिए लाइट फ्लैश करने का वक्त मिल जाता। मिनटों या सेकेंडों का अंतर दूसरी ट्रेन को बचा लेता, या अगर मालगाड़ी का ड्राइवर अलर्ट होता, उसे अपने लोगों से फ्लैशर लाइट जलाने का वक्त मिल जाता तो हादसे की भयावहता को कम किया जा सकता था।